very historic day. Please, please. That in this. No comments. No comments. Please, Vaiko. You are senior. We are doing it. Rakesh? By saying or not saying something, something is not going to happen. By doing something, while coming to voting, then you can perform your vote. Please, no, this is not going on record. Other than who is permitted by the chair. Sir, the Muslim woman protection of rights. Vaiko, with all experience, he knows, but still. Sir, very briefly, sir. Very briefly, sir, may I indicate, sir. More than 20 Islamic countries have regulated triple talaq, talaq-e-biddat in various forms, sir. In reply, I will go. Respond to those, sir. India is a secular country, sir. But unfortunately, for one reason or the other, it could not happen, sir. 2013, mein, sir, triple talaq ki victim Sara Banu and others Supreme Court gayi, sir. Aur Supreme Court ne sir apna faisla diya. Constitution bench, sir. Do judges, Justice Nariman, Honorable Justice Lalit ne kaha, it is arbitrary, unconstitutional. Ek judge, Honorable Justice Kurian ne kaha, ki what is wrong in Quran cannot be valid in law. He set it aside. Two judges, Justice Khair and Justice Nazir, ne kaha ki though it is an integral part, but not the right part, the parliament must take initiative. Aur sir, jo unhone baat kahi sir, main do line jarur padhna chahunga sir. Quote ka usse ek, we would, and I'm quoting sir, para 199, we would therefore implore the legislature to bestow its thoughtful consideration to this issue of paramount importance. We would also beseech different political parties to keep their individual political gains apart while considering the necessary measures requiring legislation. Ye unhone kaha tha ki ek swar mein sadan ko bolna chahiye. Sir, humne socha tha ki is nirnay ke baad sir ye cheez khatam ho jayegi. सर हमारे पास जो जानकारी प्राप्त हुई है सर, ये हम प्राप्त कर सके हैं, इससे सैकड़ों अधिक हो सकते हैं सर. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सर 574 तीन तलाक के मामले आए सर, और सर जिसमें 345 टिल 24 जुलाई 2019, सो रीसेंट आर देयर, दैट इज आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. सर व्हेन रिकरेंट्स वर हैपनिंग, हम ऑर्डिनेंस लेके आए सर. ऑर्डिनेंस के बाद 101 मामले हुए सर. आई हैव गॉट ऑल द न्यूज़पेपर रिपोर्ट सर, आई डोंट वांट टू कोट. रोटी काली हो गई, ट्रिपल तलाक. पति ने सब्जी के लिए पैसा मांगा, ट्रिपल तलाक. सर एक और रोचक बात यह है सर कि ही वॉज फोर्सिंग द वाइफ, ही वॉज अ मोबाइल वेंडर सर, कि पत्नी के अश्लील वीडियो बनाए, उसने विरोध किया तो ट्रिपल तलाक. सर आई गॉट ऑल द मेटेरियल्स विथ मी सर, दे आर ऑल फुल, द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स आर विथ मी सर. अब सर हम एक सवाल अपने सामने करना चाहते हैं, इस मुल्क की ख्वातीनों के बारे में हम क्या कहें कि जजमेंट हो गया है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है. इसलिए हम लॉ लाए हैं, बिकॉज लॉ इज अ डिटरेंस. सर हम एक बात और स्पष्ट करना चाहेंगे, जब हमारे सामने मामला आया कि कुछ लोगों के मन में मिसगिविंग्स है कि कोई पड़ोसी एफआईआर फाइल कर सकता है, कोई दुश्मन कर सकता है, तो हमने लॉ में क्या कहा, द एफआईआर शैल बी फाइल्ड ओनली बाय द विक्टिम लेडी और हर रिलेशंस बाय ब्लड और मैरिज, नो आउटसाइडर कैन डू इट. सर दूसरी बात थी कि क्या कॉम्प्रोमाइज की हैसियत होगी. वी हैव मेड ए प्रोविजन दैट दिस इज कंपाउंडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ द वाइफ, मजिस्ट्रेट कैन डू इट सर. कुछ लोगों ने कहा बेल का आप क्या करेंगे, तो ये भी प्रोविजन रखा है, मजिस्ट्रेट कैन गिव बेल अपॉन अप्रोप्रिएट कंडीशन आफ्टर हियरिंग द वाइफ. तो बेल का भी प्रोविजन रखा है, समझौते का भी रखा है सर, और बाकी सब्सिस्टेंस अलाउंस वगैरह है सर. सर मेरी इस सदन से क्या गुजारिश है सर, बाकी मैं विस्तार से उत्तर दूंगा जब मैं सबकी बहस सुनूंगा, मुझे मालूम है ये सदन बहुत ऊंचाई पर जाएगा. इस सवाल को सियासत के चश्मे से ना देखा जाए सर, इस सवाल को वोट बैंक के तराजू पर न तोला जाए सर. यह सवाल है
ये सवाल है इंसानियत का, इंसाफ का, मानवता का। और सर मैं बहुत बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, ये सवाल है नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी उत्थान का। प्लीज प्लीज आपको मौका मिल रहा है, अभी अभी तुरंत आपको पूरा बोलने का मौका मिल रहा है। सर एक तरफ हमारी बेटियां ओलंपिक में कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतती है, हमारी बेटियां एयरफोर्स का फाइटर प्लेन चला रही हैं, हमारी बेटियां चंद्रयान मंगलयान में वैज्ञानिक काम कर रही हैं। प्लीज एक तरफ हमारी बेटियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आज आगे ऊंचाई पर पढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ तीन तलाक को लेकर हम बेटियों को फुटपाथ पर छोड़े, ये मुनासिब नहीं है सर। इसलिए मैं इस सदन से बहुत विनम्रता से गुजारिश करूंगा, ये सदन ऊंचाई पे उठता है, आज ये मामला जेंडर जस्टिस, जेंडर डिग्निटी, जेंडर इक्वालिटी का है, इसके सदन आगे बढ़े सर, यही कहकर मैं इस बिल को प्रस्तुत कर रहा हूँ। The motion moved. There are two amendments by Sri Yelamaram Karim and Sri S.R. Balasubramaniam for reference to the of the Muslim Woman Protection of Rights and Marriage Bill 2019 as passed by Lok Sabha to a Select Committee of Rajya Sabha. Members may move the amendments at this stage without any speech. You have to give the names separately. I move the motion. The statute resolution, the motion for consideration of the bill and the amendments moved for reference of the bill to a select committee of the Rajya Sabha are now open for a discussion. And I only appeal to all the members, the entire country is watching us. This is a bill which has got its importance. Please. If they see this sort of thing, sitting and then making commentary, they will not appreciate. You want, whatever you want to say, you have got every right to say. And you will be given an opportunity. And then you have got every right to vote for or against also. And then at the end of it, the House will take a view. So why should we have running commentary, anything?